नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसडी किचन में। आज मैं बनाऊंगी पालक की पकौड़ी। पालक की पकौड़ी किस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी वो मैं आज आपको बताऊंगी। पालक की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने पालक के पत्ते को धो के और बारीक काट लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये आधी छोटी कटोरी बेसन है, उसको डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच है धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन है उसको डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्च है बिल्कुल बारीक कटी हुई, इसको भी डाल देंगे इसमें। 1 पिंच हींग है इसको डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार, पालक के पकौड़ी को बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। आप सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसको हाथ से ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पालक में मैंने सारे मसालों को और बेसन को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए अब हम तेल गरम करते हैं। हाई फ्लेम पे मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें पकौड़ों को तलेंगे। इस तरीके से छोटा छोटा हम पकौड़ियाँ तल लेंगे। पकौड़ियाँ जब किनारे से गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तो हम इसे पलट लेंगे। सारी पकौड़ियों को हम बारी बारी से पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेक लेंगे। ये पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। हाई फ्लेम पे हम पकौड़ियों को नहीं तलेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए और दोनों साइड से पलट के हम पकौड़ियों को सुनहरा होने तक सेक लेंगे। जो पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई है उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़ियों को भी तल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पालक की पकौड़ी बन के तैयार है। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें। इस विधि से अगर बनाएंगी पालक की पकौड़ी तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। पालक की पकौड़ी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।